नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपनी परेशानियों और मुश्किलों का हल, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कुछ आसान से उपायों के साथ आपको मिलेगा उन सबका हल। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों के चाल। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब मैं आज बताऊंगा आपको। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो देगा आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की गई जो मेहनत है, आज आपका जो हार्डवर्क है, निश्चित तौर में फ्यूचर में, भविष्य में उस हार्डवर्क से आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बात कहने में और सुनने में दोनों में स्पष्टता जरूरी होगी, क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बात में और सुनने में। किसी की शिकायत में या आलोचना में आज आपको जरा भी नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से दही खाकर निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी योजना खुद बनानी है और उस योजना पर आपको डटे भी रहना है। कोई भी नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की आज प्लानिंग करें। भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीद है या जो भी आपके सपने हैं, उनके बारे में सही तरीके से, सही प्लानिंग से विचार करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज सिचुएशंस में, परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो रहा है और इसके साथ जो बदलाव है सिचुएशन में, उन सिचुएशंस के साथ में आप अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें, नहीं तो आप अपना स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी रिश्ता हो उसमें दूसरों के नजरिए को भी देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक मेल ले लेते हैं आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले। हमारे पास ज्योति जी का मेल आया था किशनगढ़ से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1987 और जन्म का समय है दोपहर का 12:30 का। 27 जनवरी 1987 दोपहर का 12:30 का जन्म है। पंडित जी, अपनी शादी और भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी और भविष्य कैसा है। बेटा, आपको हम पहले भी शायद बता चुके हैं, आपके हॉरोस्कोप हमें पहचान में आ रही है, मूल नक्षत्र का जन्म है। आप गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवाइए सबसे पहले, यदि हो गई है तो कोई बात नहीं, नहीं तो इसकी पूजा अवश्य करवाइए। राहु मंगल का अंगारक है और उसके साथ में सर्पदोष, इस सर्पदोष की पूजा आपको अवश्य करानी पड़ेगी। जब तक ये पूजा नहीं करवाएंगे तब तक आपके जीवन में रुकावटें आने वाली हैं। नौकरी की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सर्पदोष का मतलब ही यही है कि वो आपके हर कामों में रुकावट पैदा करेगा। मूल नक्षत्र की शांति, गण साथ साथ में सर्पदोष की शांति, ये आप अवश्य करवाएं। एक येलो सफायर पुखरा जरूर धारण करके रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे। निश्चित तौर पे आपका जो विवाह है वो साल भर के अंदर होगा, आपका जीवन आगे का बहुत उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, अभी के लिए नरेश जी जुड़े हैं हमारे साथ ब्यावर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1975 और जन्म का समय है 11:45 रात का। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से।
मेरा खुद का मकान कब बनेगा और कर्जा कब उतरेगा? देखिए नरेंद्र जी, वैसे आपकी जो जन्म से जो राशि वो है तुला राशि, लेकिन बोलते नाम से जो आपकी राशि हो गई है वो हो गई है आपकी वृश्चिक राशि। जन्म नाम से शनि की 7:30 ही उतरी और अब बोलते नाम से भी लग गई। तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर दीजिए, क्योंकि आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा और उसमें बुध का अंतर चल रहा है। जब तक आपके खुद के मकान का सवाल है, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप कभी भी अपने नाम से मकान या जमीन जायदाद नहीं खरीदें, क्योंकि आपकी कुंडली में मकान का योग बनता ही नहीं है। वहाँ पे 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा। सूर्य नीच का है, सूर्य राहु जब साथ में बैठ जाता है तो पितृदोष बन जाता है, राहु चंद्रमा जब साथ में बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। तो इस तरह के कुछ अशुभ योग बने हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपके जीवन में आपके नाम से मकान आपको कभी नहीं फलेगा। तो आप ये प्लानिंग को छोड़ के आपके घर में आपकी पत्नी, बच्चे जो भी बालिग हों उनके नाम से भविष्य में यदि आप मकान का प्लान करते हैं तो हो सकता है कि सन 2016 में नेक्स्ट ईयर मार्च के पश्चात में आपका खुद का मकान मिल सकता है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके कुंडली में अच्छे स्वग्रही होकर बैठे हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। सूर्य की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक तांबे का कड़ा धारण कीजिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और पितरों की शांति के लिए यदि आपके पिता मौजूद हैं तो उनके हाथों से एक बार पितृदोष की पूजा अवश्य करवाएं, यदि नहीं है तो आप खुद करें। और जब तक पूजा नहीं करवाते हैं तब तक घर के अंदर नियमित रूप से पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। नरेश जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से टिप्स आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर है हमारे साथ, रोहित जी हैं रावत भाटा से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1992 और जन्म का समय है 1 से 2 बजे के बीच का, दोपहर का। रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रोहित जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, इनका पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। इनका एजुकेशन तो हो गया है, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। और इनका सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस का कब तक है सर? देखिए, दो बातें बहुत जरूरी जानने की हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो इस बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र का जन्म है, रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती, यदि आपने वो करवा ली है तो अति उत्तम है, नहीं तो जब भी रेवती नक्षत्र आए हर 27 दिन में नक्षत्र घूमता है तो आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ये रेवती नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि अष्टम भाव में शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठ गए, शनि मंगल दोनों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी हैवी मांगलिक है, इसके शनि मंगल की जो युति है वो इस बच्चे के कैरियर के ऊपर, इस बच्चे के भाग्य के ऊपर भारी पड़ सकती है। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ आता है, तो आप किसी भी आचार्य से यदि आप संपर्क करेंगे तो उनको बोलिएगा कि हमको इसकी शनि मंगल की शांति करवानी, खेजड़ी के पेड़ के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के डंड के समक्ष, उसकी जो लकड़ी होती है उसको पूजा में रख के उसके समक्ष शांति हो जाती है। लाइफ में एक बार ज़रूर करवा दीजिएगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसकी कुंडली में बुध जो है वो नीच का होकर कार्य क्षेत्र में बैठ गया, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इसको नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। तो बुध की शांति के लिए इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान एक बार गौशाला में अवश्य करवा दीजिए। और इस बच्चे का एक बेहतरीन समय स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2015 से, क्योंकि सन 2012 से राहु चल रहा था इसको शुक्र में राहु, अब वो ख़त्म होगा सितंबर 2015 से 10 तारीख को, उसके पश्चात में शुक्र में गुरु शुरू होगा 2018 तक का। इसका करियर के हिसाब से, इसके लक के हिसाब से, इसके मैरिज के हिसाब से अगले जो 3 साल हैं वो बेहतरीन पीरियड आ रहा है सितंबर पश्चात में। पर जो मैंने जो बातें आपको बताई हैं उसका ध्यान अवश्य रखिएगा। पंडित जी, अभी के लिए सरला जी जुड़ी हैं हमारे साथ अजमेर से, बेटे अभिषेक के लिए पूछना चाहती हैं। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1993 और जन्म का समय है दोपहर का 2:15 का। सरला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी। जय श्री कृष्णा, बोलो बेटा। जय श्री कृष्णा पंडित जी, बोलिए। हमको लड़के के बारे में पूछना है, इसका नाम है अभिषेक। इसका एक तो गुस्सा बहुत आती है और ऊपर से उसका प्रमोशन के बारे में बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, मेरा प्रमोशन अभी हो सकता है या नहीं हो सकता, आगे का भविष्य क्या है।
देखिए, इस अभिषेक का जो जहाँ तक प्रमोशन की बात है वो होगा अप्रैल 2016। अभी 7-8 महीने इसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की महादशा केतु का अंतर चल रहा है। ये समय कोई अच्छा नहीं है। अगर इस वक्त प्रयास भी करते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें पसंद नहीं आए, जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो। लेकिन इस बच्चे का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा अप्रैल 2016 से, फिर 2018-2019 तक का इसका सबसे बेस्ट टाइमिंग है। इसलिए 5-7 महीने अगर इंतज़ार कर लेता है तो अच्छा है। उसके बाद में 2016 में इसका प्रमोशन भी होगा और इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी होंगे, पैसों का भी इसको फ़ायदा होगा। मांगलिक है, मंगल शनि दोनों हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं स्वभाव में एग्रेसिवनेस इस बच्चे की आएगी। पितृदोष इसके जन्म कुंडली में बना हुआ, ध्यान रखिए। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो तो इस बच्चे के ऊपर दोष आ गया। तो यदि इस बच्चे के पिता मौजूद हैं तो उनके हाथ से साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाएं। घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पर शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए अपने पितरों का नाम का सुबह के समय। बाकी इस बच्चे की कुंडली अच्छी, सेल्फ मेड रहेगा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फ्यूचर की प्लानिंग जो है, भविष्य की योजनाएं हैं, उसमें आज इतना मत खो जाइए कि आज की जिम्मेदारियों को या आज के जो सोचे हुए काम है, प्लान जो वर्क हैं, उनको अनदेखा कर दें। किसी भी तरह के नेगेटिव विचार या किसी भी तरह की नाराजगी को अपने मन में आज प्रवेश मत करने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पुण्य का काम है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो सोच, आपके जो विचार हैं, वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर प्लान करेंगे। अगर कोई कमी रहेगी तो वो केवल आपके आत्मविश्वास में रहेगी। ध्यान रखिए, दूसरों से विचार तो अवश्य करें, किंतु अपने मन के जो विचार हैं उसको भी महत्व देने का प्लान करें। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जहाँ तक संभव हो अपनी सोच, अपना व्यवहार दोनों पॉजिटिव बनाए रखें। वर्किंग क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र में फालतू की चिंताएं मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान अवश्य कीजिएगा। चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में या अपनी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल व्यवहार या सोच मत रखिएगा। एडजस्ट होने की कोशिश कीजिएगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट काम में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और ना ही कोई ऐसी योजना आपको बनानी है जो कम समय में ज़्यादा फायदा देने वाली हो। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन कुछ तनावपूर्ण बना रह सकता है। काम का बोझ थोड़ा अधिक रहेगा और आसपास के जो आपके लोग हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे अनबन होने के आसार हैं। ध्यान रखिए, आपका मन दूसरों की सलाह से कहीं ज़्यादा आज बेहतर रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेघना जी हैं उदयपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/6/1996 और जन्म का समय है सुबह का 6:23 का। मेघना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा, खुश रहिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं अभी बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं जियोलॉजी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है? जियोलॉजी या जूलॉजी? जियोलॉजी, जी ई ओ। प्राणी शास्त्र? हाँ
देखो बेटा, जो आप जियोलॉजी फील्ड की जो आप बात कर रहे हो, वैसे हमारे हिसाब से तो आप अगर मैनेजमेंट की लाइन में जाएं तो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। फील्ड आप ये ले सकते हैं क्योंकि शनि कहीं ना कहीं टेक्निकल आपकी करियर हाउस में बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस आपको जो मिल सकती है वो मिल सकती है आपको मैनेजमेंट के सेक्टर में। बीएससी कंप्लीट करने के बाद में आप एक बार एमबीए की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप ऐसी है कि आप एजुकेशन के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है या आप बाहर सेटल भी हो सकते हैं। तो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में आफ्टर मैरिज जो है वो लाइफ में आप कहीं पे भी एडजस्ट हो जाओ। तो मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर नक्षत्र का जन्म है, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, गणमूल नक्षत्र कहलाता है, पूजा हो गई हो, पैदा होते 27 दिन में तो ठीक है, नहीं तो करवा लीजिएगा। हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, एक सक्सेस स्टोरी रहेंगे लाइफ के अंदर, सेल्फ मेड बनेंगे अपने बलबूते पे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है, आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है इट विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 2016 ऑनवर्ड्स। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाया करें। पंडित जी, अभी के लिए अमित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ झुंझुनू से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1994 और जन्म का समय है सुबह का 3:30 का। पंडित जी, 8 की रात और 9 की सुबह है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने सवाल पूछे पंडित जी से। अमित जी, अपने टीवी के वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने अभी एमबीए कंप्लीट किया है फाइनेंस से, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब? देखो, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, एक साल वेट करना चाहिए, या प्राइवेट कॉलेज में अभी मैं प्रोफेसर का काम कर रहा हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहिए या मुझे गवर्नमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी है? आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस बोलिए एक बार। 8 जनवरी 1994। 9 जनवरी या 1? 8/8। और समय? 8 जनवरी 1994। ठीक है, और समय क्या है? समय सुबह 3:30। 8 तारीख की सुबह या 9? 8 तारीख की सुबह। ठीक, देखिए अमित जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो समस्या है वो ये है, एक तो चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, चंद्रमा नीच का है और शनि की 7:30 शुरू हो चुकी है आपको। देख, लोहे का छल्ला तो मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। जहाँ तक आप ये जानना चाहते हैं कि टीचिंग लाइन जो आप कॉलेज में पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो आपका करियर नहीं रहेगा, तो टीचिंग लाइन के अलावा यदि आप कोई सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगले एक साल के अंदर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपके कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, शनि स्वग्रही होकर बैठा है। पर मेरे हिसाब से टेक्निकल लाइन के अंदर आप जाएं या और मैनेजमेंट लाइन के अंदर आप जाएं, पर शिक्षा के क्षेत्र में आप नहीं जाएं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करिए। एक सोने का सूरज लाल धागे में गले में धारण कीजिए। निश्चित तौर पर साल भर में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। पंडित जी, अभी के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामनारायण जी हैं बांसवाड़ा से। रामनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बता दीजिए। 24/8/1958। और रामनारायण जी, आपका जन्म का समय? रात को 10 बजे। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रामनारायण जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चों को लाइन सही नहीं मिल रही है धंधे के लिए। देखिए रामनारायण जी, आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली से मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों का अपना ग्रह होता है और आपके ग्रह अलग होते हैं। आपकी जन्म कुंडली से अगर हम बात करते हैं तो आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और उसमें भी अब सूर्य का अंतर, राहु में सूर्य जब आ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है और ये चलेगा अप्रैल 2016 तक। सूर्य आपके संतान घर में बैठा है, वो राहु से पीड़ित है, तो आपकी जन्म कुंडली से अगर हम देखते हैं तो आपके बच्चों का जो सेटलमेंट है, उनको जो अच्छी लाइन मिलने वाली है वो अप्रैल 2016 के पश्चात उनको मिलेगी। लेकिन सूर्य बुध आदित्य योग ये कहता है कि आपके बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है।
आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि पिछले 18 साल की राहु की महादशा ने आपको पूरी तरीके से हिला के रख रखा था, अब ये राहु की महादशा आपके खत्म होने वाली सन 2017 अक्टूबर 2017 को, उसके बाद देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की 16 साल की महादशा शुरू होगी। सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा जब भाग्य साथ देगा, धन आएगा, घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। राहु को शांत करने के लिए रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में, 5.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण करें, बाकी सब कुछ अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें जिससे उनका आज का दिन बेहतर बन सके। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके साथ अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप में किसी भी तरह की कोई खराब आदत है, बुरी लत है, तो आज उस आदत को, आज उस लत को छोड़ने के लिए कदम उठाने का सही समय है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले, निर्णय से लेने से पहले उस क्षेत्र का कोई जानकार हो, कोई एक्सपर्ट हो, उससे सलाह लेने में ही आपकी भलाई है। और ध्यान रखें, आज आपको नम्रता भरा व्यवहार बनाए रखना, अहंकार से अपने आप को दूर रखना, अन्यथा आप अपना स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़चने का प्रसाद बच्चों में अवश्य बांटिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक हैं, आज परिस्थितियों से, सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। जितना लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतनी ही सिचुएशंस बिगड़ती चली जाएंगी, परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी। तनाव मत लीजिए, अपना प्रयास निरंतर करते रहिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा सिंदूर अवश्य अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज मैं आपको एक राम जी महाराज के ऐसे मंत्र के बारे में बता रहा हूँ जो कि निश्चित तौर पे उस मंत्र को जाप करने से आपके जीवन के अंदर प्रभु श्री राम की और भगवान श्री हनुमान जी की महाराज की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। तो कोई भी मंत्र जैसे हम करते हैं तो पर ब्रह्म परमात्मा की जो कृपा है वो भगवान राम के माध्यम से, माँ सीता के माध्यम से, हनुमान जी के प्रिय श्री राम जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान श्री राम जो हैं वो आपकी मन की आवाज़ को सुनकर आपके शरीर में सर्व शक्तियों के साथ में विराजमान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ प्रभु श्री राम जी का, बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप लिख लीजिए उसको, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। ओम आपदा में हंतारम दातारम सर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमः। वापस सुनिए इस मंत्र को। ओम आपदा में हंतारम दातारम सर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमः। भगवान श्री राम की महिमा ही ऐसी है। श्री राम, श्री राम, श्री राम के अंदर अगर आप डूब जाते हैं उसके बाद आपको तीनों लोकों में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जाप करिए, निश्चित तौर पर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार के कष्टों से, तकलीफों से, विघ्नों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।